नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी आज दिल्ली में हुए मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगी। गौरतलब है कि पिछले रविवार से दिल्ली में हो रहे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी की 112 संपत्तियों की नीलामी आज शुरू हो रही है। जानकारी के मुताबिक नीलामी से प्राप्त रकम से बैंकों के बकाए का भुगतान किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा आज पहली बार अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, जहां नड्डा के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और पार्टी कार्यकर्ता आज सोलन जिला के ठोडो मैदान में नड्डा का स्वागत करेंगे। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के तीसरे और अंतिम ग्रुप में आज भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। गौरतलब है कि भारतीय टीम इस समय ग्रुप ए में 4 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इसमें देश के 22 प्रदेशों के लगभग 120 जल संसाधन से संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुए मामले को देखते हुए CBSE ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी परीक्षा केंद्रों में होने वाले बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले काफी समय से सामान्य हालत नहीं है। पटना के गांधी मैदान में आज CAA, NRC और NPR को लेकर संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में देश के कई नामचीन समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, फिल्मकार, संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद सरोगेसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल राजधानी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत हेल्थ सोसाइटी काउंसलर, डिस्ट्रिक्टर, अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसके आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रॉन ने डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारत के लोगों का आभार जताया है। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ NSA ओ ब्रॉन समेत प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि जियो दुनिया का एकमात्र ऑपरेटर है जो एक भी चीनी पुर्जे का इस्तेमाल नहीं करता। इस पर ट्रंप ने कहा, अच्छी बात है। गौरतलब है कि भारत और अपने अन्य सहयोगियों पर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम उपकरण निर्माता हुआई के बहिष्कार का दबाव बना रहा है। हांगकांग सरकार ने अपनी मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 70 लाख स्थानीय निवासियों को नकद सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सरकार ने प्रत्येक स्थानीय नागरिकों को 10 हांगकांग डॉलर की मदद देगी। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल मिशन और सरोगेसी अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिनमें से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 2 इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने का फैसला भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि 10 फरवरी के बाद दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली से आ रहे लोगों को भारत पहुंचने पर 14 दिनों के लिए अलग रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुजुर्गों के लिए बनाई गई बापू की कुटिया में से कुछ सामान चोरी हो गई है। आपको बता दें कि रायपुर में बुजुर्गों के आमोद प्रमोद के लिए अलग अलग जगहों पर 27 बापू की कुटिया बनाई गई थी, जिनमें से करीब 3 लाख रुपए के LCD TV, कैरम बोर्ड, रेडियो, मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन चोरों ने इन पर अपना हाथ साफ कर लिया है। केंद्र सरकार ने रेलवे की फैक्ट्रियों और कारखानों में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की छंटनी का फैसला फिलहाल टाल दिया है। आपको बता दें कि सरकार इसके लिए बीच का रास्ता निकालते हुए नई भर्ती कम करेगी, जबकि कोच, वैगन, इंजन के उत्पादन और मरम्मत का कार्य आउटसोर्स कर निजी कंपनियों से कराएगी।
फिंच रेटिंग एजेंसी का मानना है कि LIC के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार होगा। इसके साथ ही फिंच ने कहा है कि इसका लाभ संभवतः पूरे बीमा उद्योग को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3,23,439 व्यापारियों को बकाए कर पर बड़ी राहत दी है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के तहत मनोरंजन कर वेट और उत्तर प्रदेश केबल टीवी नेटवर्क नियमावली के आधार पर 31 मार्च 2019 तक ब्याज को माफ कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने 20,000 सरकारी कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है, जिसके तहत BPL कार्ड बनाकर गरीबों का राशन खा रहे कर्मचारियों से सरकार ने पैसा वसूलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 20,000 सरकारी कर्मचारियों को अब गरीबों का राशन चोरी करने के एवज में पूरा भुगतान करना होगा। दिल्ली में CAA को लेकर UP के CM योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर देश की छवि आप लोग क्यों खराब करना चाहते हैं। योगी ने आगे कहा कि एक बात वह साफ साफ नोट कर लें कि वह गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और जो लोग गलतफहमी में हैं उनका समाधान हमें अच्छे से करना आता है। बिहार के CM नीतीश कुमार का फिर से मन पलटने पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनका मन पलटता भी है तो RJD स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुए बैठक के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद आजम खान और रामपुर के विधायक उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और स्वरा से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 7 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली में CAA मामले को लेकर आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि CM अरविंद केजरीवाल के बार बार अनुरोध के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों को बंद क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली में CAA मामले को लेकर कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि हमें शर्म आनी चाहिए, हम देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा परिवार दिल्ली में अपनी यात्रा पर थे। CPI प्रमुख सीताराम येचुरी ने दिल्ली में जारी मामले को लेकर कहा कि राजधानी में शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि दिल्ली में आप शांति बनाए रखें। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल जी के परिवार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम उनका देखभाल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रतनलाल जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने के साथ साथ एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि बिहार पुलिस सप्ताह के तहत आज पटना के नवीन पुलिस केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य स्लोगन दिया गया, घर प्यारी अपनी संतान वृक्षारोपण करें सुजान। UP के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि जनपद में विकास खंड जैतपुर अजनर के सुखानंद हाई स्कूल में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी व SDO हीरा सिंह की उपस्थिति में चौपाल लगाकर ग्रामीणों के कल्याणार्थ शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें DM ने पहले सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत GRP एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने भाग लिया। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।